हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शादत अंसारी। आज हम फिर आ गए हैं एक्सेल सीरीज की एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो में हम ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक्सेल में हम कर सकते हैं या एक्सेल हमें हेल्प करता है। ये 10 चीज़ें अलग हैं जो हम जो एक्सेल के साथ कर सकते हैं। ये बिजनेस में, कॉरपोरेट में, रिटेल शॉप में, अपने खुद के बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं जो बहुत, और ये 10 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, एक अलग 10 फील्ड में अलग अलग यूज़ कर सकते हैं एक्सेल को लेके। तो नंबर वन, एक्सेल का यूज़ होता है अकाउंटिंग में। सब जानते हैं एक्सेल को किसका यूज़ अकाउंटिंग में आता है। अगर हमारे माइंड में एक्सेल आता भी है तो हमारे माइंड में अकाउंटिंग भी आता है। तो एक्सेल का अकाउंटिंग में बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अकाउंटेंट से रिलेटेड फॉर्मूले लगा के एक्सेल में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बनाना या इन्वेंट्री मैनेज करना या इन्वेंट्री ट्रैक करना, इन तीनों चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्टोर से रिलेटेड चीज़ें, इन्वेंट्री डालना निकालना, इन्वेंट्री को ट्रैक करना, देखना कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में, कितनी वॉल्यूम में रह गई है, तो इन्वेंट्री में भी एक्सेल यूज़ रहता है। बिना सॉफ्टवेयर के हम, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं और हम अपने इन्वेंट्री मॉनिटर करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो हम एक्सेल में कर सकते हैं। तीसरा एक्सेल का यूज़ है बजटिंग में। बजट में हम अपना बजट बना सकते हैं, या कंपनी का बजट बनाते हैं, या किसी चीज़ का हम बजट बनाते हैं, तो एक्सेल में हम बजट बना सकते हैं कि हमारा किस कैटेगरी में या किस चीज़ में हमारा कितना कितना बजट है और कितने लिमिट टाइम तक है, कितने मंथ में या किस मंथ में हमारा कितना बजट रहेगा, वो पूरी प्लानिंग इसमें हम कर सकते हैं। और चौथा एक्सेल का हम यूज़ कर सकते हैं कैलेंडर में और शेड्यूल में। शेड्यूल में यूज़ कर सकते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा कैलेंडर वो बना सकते हैं। कैलेंडर वाइज हम अपनी प्लानिंग उसमें बना सकते हैं, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कितना टारगेट हमने कंप्लीट करा या किस दिन हमने कौन सा काम किया, वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही ईजी है कि हम एक्सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी तरीके से, कैसे भी शीट को बना सकते हैं। तो कैलेंडर और शेड्यूल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पांचवा है एक्सेल को लेके हम फॉर्म भी बना सकते हैं। हम किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हैं। हमने कोई कंसल्टेंसी खोली, अपना बिजनेस खोला, या कोई टीचिंग लाइन में, लर्निंग लाइन में कोई हमें फॉर्म बनाना है, या अपना कोई बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड हम उसको फॉर्म बना सकते हैं, पूरा कस्टमाइज बना सकते हैं फॉर्म, वो भी हम एक्सेल में बना सकते हैं। वर्ड से ज़्यादा बेटर एक्सेल में हम फॉर्म को बना सकते हैं। और छठा यूज़ कर सकते हैं हम टास्क लिस्ट में या एक्शन लिस्ट में। हम अपनी टास्क लिस्ट बना सकते हैं कि किस दिन हमें कौन सा काम करना है और किस दिन हमें कौन सा एक्शन लेना है, या हमने क्या एक्शन लिया किस दिन को, मतलब कौन सा टारगेट हमने करा और कौन सा एक्शन हमने कब लिया। तो टास्क लिस्ट और एक्शन लिस्ट हम एक्सेल में बना सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी मैनेज हो सकती है, मॉनिटर हो सकती है। और सातवीं चीज़ हम बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, वो है चेक लिस्ट। हम चेक लिस्ट किसी भी तरह की बना सकते हैं, मशीनरी की, अपने काम की, एचआर में है तो बहुत सारी लिस्ट बनती है, हाउसकीपिंग की चेक लिस्ट, या किसी भी तरह की चेक लिस्ट को हम बना सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, वो सारी चेक लिस्ट हम बना सकते हैं एक्सेल में। ये चेक लिस्ट होती है क्या, अगर हम डेप्थ में थोड़ा बारीकी से समझे कि चेक लिस्ट ये है कि किसी भी काम को हमें रोज करना है, या मंथ में करना है, या वीक में करना है, या डेली करना है, तो हम चेक लिस्ट बनाते हैं कि हमें एक मशीन है, एक एग्जांपल के तौर पे हम रखते हैं कि एक मशीन है, तो उस मशीन में डेली हमें क्या क्या चेक करना है, उसका फ्यूल चेक करना है, उसका मीटर चेक करना है, उसका मटेरियल चेक करना है, इलेक्ट्रिक यूनिट चेक करनी है, कुछ भी व्हाटएवर हम कुछ भी उसमें चेक करना है, तो उसकी चेक लिस्ट बना सकते हैं कि डेली मेरे को ये चेक करना है, मंथ में मेरे को एक बार ये चेक करना है, हफ्ते में, वीक में मेरे को एक बार ये चेक करना है, तो वो चेक लिस्ट बनती है कि हमें चेक करना है। इसके नाम से पता चलता है कि चेक लिस्ट। और इसको डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर सब यूज करते हैं एक्सेल में भी बना के चेक लिस्ट, या फिर अपने फोन में भी। और आठवां यूज है एचआर में, हम इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं सैलरी बनाने में, अटेंडेंस बनाने में, ओवर टाइम बनाने में, या फिर और सारे कई सारे इन आउट का टाइम डालने में, वो भी एक्सेल पे हम मॉनिटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो हम एक्सेल पे भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी भी इसको करती है, एक्सेल में ही करती है, बिना सॉफ्टवेयर लेके भी एक्सेल से ही कर लेती है ये सारी चीज़ें। और नाइन्थ यूज़ है MIS, मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हम अपने पूरे बिजनेस का, अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसमें डाल सकते हैं, मतलब कि हमारा परचेज कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, पैकेजिंग मटेरियल कितना लग रहा है, बिजली कितनी खर्च हो रही है, मतलब ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस डाटा हम उसमें MIS के थ्रू या फिर प्रॉफिट लॉस डाल के एक्सेल में बना सकते हैं, अपने पूरे बिजनेस का, अपने पूरे काम का पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, और मॉनिटर करके हम एक्शन भी ले सकते हैं कि कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना, कहाँ पे हमें नहीं ध्यान देना, वो सारा MIS में भी हमें दिख जाता है अगर हम मॉनिटर अच्छे से करें, डाटा को अपडेट करते रहें मंथली वाइज, वीकली वाइज, डेली वाइज, तो बिजनेस में MIS का यूज़ कर सकते हैं हम एक्सेल में। और दसवां और आखिरी यूज़ है हम चार्टिंग में कर सकते हैं, मतलब चार्ट बना सकते हैं, उसमें
पाई चार्ट, कोई ट्रेंड चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट और बहुत तरीके के हम उसमें चार्ट बना सकते हैं और अपनी सेल, परचेज या कोई सा भी डाटा हम उसको एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। तो हम चार्टिंग में बहुत इसका यूजफुल है और विजुअली अच्छा लगता है देखने में, जल्दी कैप्चर होता है, तो ये सब हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो यही 10 चीज़ें थी जो यूज़ कर सकते हैं हम एक्सेल को लेके, एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं इन 10 चीज़ों में बहुत ही आसानी से और लोग करते भी हैं। और वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, मैसेंजर पर शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।